कभी निर्दोष मेरे लाल को मार दिया समझ लो हैं, उसके माँ के दिल से पूछो कैसे बीत रही होगी है। अरे पकड़ा था ठीक, पकड़ते कड़ी से कड़ी उसको सजा देते हैं, उसका यहाँ तब पिछला इतिहास पूछते, उसके माँ बाप का इतिहास देखते, बाप दादाओं को देखते, फिर मार देते। ये रोती हुई इस माँ के आंसू हैं जिसने अपना बेटा पुलिस एनकाउंटर में खो दिया। दरअसल जब पुलिस विकास दुबे की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी तो उस वक्त पुलिस को फरीदाबाद से उसका पड़ोसी प्रभात मिश्रा मिला। प्रभात को गिरफ्तार करके पुलिस कानपुर ला रही थी, लेकिन रास्ते में पनकी के पास पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि प्रभात की मां का कहना है कि वो नाबालिग था। उसने 29 जून को यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पास की थी और 10 दिन बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। साथ ही प्रभात की मां ने पुलिस पर कई बड़े आरोप भी लगाए। कितने साल का था? 16 साल, अभी 2 महीने का भी नहीं, 16 साल 2 महीने से कम ही का था। 27 तारीख को 2 महीने को था पूरा। अच्छा, तो ये अपराधी कैसे बन गया प्रभात? भैया अपराधी क्या वो बताएं, ये सब हुआ और घर पे कोई था नहीं, हम ही माँ बेटे और दादी उनकी थी और बेटी थी, वो नानी ना ख़त्म हो गए तो वहाँ चली गई थी। और जब ये सब के बंद हुआ तो हमने कहा भैया भाग जाओ भाग जाओ, तो वो भागने लगा, भाग गया। अब ये हमने नहीं देखा, हम तो घर पे बने रहे, हम ये सब भागे होंगे उनके साथ, ये भी भाग गया। अच्छा, क्या हाई स्कूल किया था उसने? इंटर किया था? क्या किया था? इंटर किया इस साल। तो कितने साल का था टोटल? 16 साल 2 महीना भी पूरा हुआ भी नहीं, समझ लो 27 तारीख को 2 महीना। तो पुलिस ने नाबालिग का इंटरव्यू कर दिया? जी भैया, और कभी निर्दोष मेरे लाल को मार दिया समझ लो हैं, उसके माँ के दिल से पूछो कैसे बीत रही होगी है। अरे पकड़ा था ठीक, पकड़ते कड़ी से कड़ी उसको सजा देते हैं, उसका यहाँ तब पिछला इतिहास पूछते, उसके माँ बाप का इतिहास देखते, बाप दादाओं को देखते, फिर मार देते। प्रभात मिश्रा की माँ ने जो मार्कशीट और आधार कार्ड दिखाए उसमें उसकी जन्मतिथि 27 मई 2004 बताई गई है। प्रभात मिश्रा का परिवार बिकरू गांव में विकास दुबे के घर के पास रहता है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी पुलिस का कहना है कि 9 जुलाई को प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लाया जा रहा था, इसी दौरान उसने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और फरार होने की कोशिश की, तभी मुठभेड़ में पुलिस ने प्रभात को मार गिराया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।